नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। माघ शुक्ल पक्ष की दसवीं के उपलक्ष्य में मंगलवार को बाबा रामदेव का मेला लगा। मंदिर में बाबा जी के धोक लगाने के साथ साथ सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। मेला स्थल पर बाबा जी के भजनों का दिन भर वातावरण इसी प्रकार भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं के लिए मेला स्थल पर खाद्य सामग्री, पदार्थों और खिलौनों तथा मनहारी कई प्रकार की दुकानें भी सजी हुई। रामदेव मंदिर पर प्रबंधन कमेटी की तरफ से मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं द्वारा लोक देवता की प्रतिमा पर प्रसाद के रूप में झाड़ू, नमक, नारियल आदि मिष्ठान चढ़ाए गए। इनके साथ साथ कई तरह की मन्नतें भी यहाँ मांगी जाती है। देखने में आया कि मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। वहीं मंदिर के बाहर मैदान में अलग अलग दुकानें भी सजी हुई थी। दुकानों पर लोग खरीदारी भी कर रहे थे और मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे। मेला होता ही बच्चों के लिए है, जिसका आनंद झूलों पर झूलकर बच्चे खूब ले रहे थे। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस बल भी तैनात था और इस अवसर पर सुभाष पुनिया, जिंदल स्वामी, बिशमोहन सोनी और कालूराम खिलेरी, जुगल किशोर सोलंकी, हवा सिंह फोगाट, मास्टर रमेश मोंगा, सुदेश छिम्पा, बलवंत भाटिया, शारदा बिश्नोई और रजनी छापा रानी, नीतू कृष्ण आदि सेवादार भी उपस्थित रहते हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में सेवादार यहां हर बार सेवा करते हैं। श्रद्धा भाव से इस तरह के मेलों का आयोजन होना भारतीय संस्कृति है। पल पल टिंग से विनोद स्वामी की विशेष रिपोर्ट।